मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। तो डायलॉग सुनकर समझ में आ ही गया होगा कि जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे, और कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आप लोगों की जो लाइफ है वो डेली की जो दाल चावल वाली जो दुनिया होती है उसी में रह जाएगी, कुछ भी नया आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे एक तरीके से आप लोगों को ये सीखना है कि इससे आप लोगों को कुछ नया कैसे निकाल के लेके आना है। क्योंकि जब जब लाइफ में प्रॉब्लम आई है जिस भी इंसान के, उसने हमेशा से इतिहास रचा है। अगर आप लोग भी इतिहास रचना चाहते हैं और आप लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझिए कि आप लोगों को गॉड अल्लाह भगवान जो भी आप लोग बोले उसने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग इतिहास रच सकें। तो इसलिए हमेशा अपने आप को इस जोन में आप लोगों को रखना है कि जो भी प्रॉब्लम आए कि इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि परेशान होना आप लोगों का कल तो सुधारेगा नहीं बल्कि आज भी बर्बाद कर देगा। और थोड़ा सा टाइम दिया करो, देखिए कोई भी प्रॉब्लम लेकर हड़बड़ाना नहीं है, तो वो नहीं कहते थोड़ा सा टाइम दो वक्त को, वक्त अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। पर लेकिन ये बात आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बाकी आज सैटरडे है, आप लोगों का रिवीजन पॉइंट जाकर चीजों को रिवाइज कीजिएगा। जो भी आप लोगों ने पूरे वीक में डिस्कस किया है वो आप लोगों को रिवीजन करना होता है, उसी के चलते आप लोग सारी चीजें जो हैं वो माइंड में सेट कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सैटरडे आप लोगों को यहाँ पर ऐसे भी होता है, तो आज का जो निबंध है ये आप लोगों को लिखना है। संडे और सैटरडे दोनों दिनों को मिलाकर काफी अच्छा टाइम होता है, कम से कम एक ऐसे वीक में आप लोग जरूर लिखिए ताकि एग्जाम में कंफर्टेबल फील कर सके। बात की जा रही है बायस मीडिया के बारे में। बोला जा रहा है जो बायस मीडिया है वो एक रियल थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा है, जो भारतीय लोकतंत्र है उसके लिए खतरा है अगर मीडिया बायस हो जाती है, यानी कि अगर मीडिया पक्षपाती हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ देने लगे, उसका सहारा बनने लगे, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये निबंध आप लोगों को अलग तरीके से भी देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट निबंध होगा मैं आप लोगों को एक नहीं दो निबंध एक साथ में दूंगा, नेक्स्ट जो वीक में आप लोगों का निबंध होगा उससे आप लोगों को मीडिया के बारे में ही वो निबंध रहेगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस तरीके से भी निबंध आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर ये पॉइंट आप लोग यहां पर इकट्ठा करेंगे तो एक तरीके से टिप है आप लोगों के लिए कि अच्छे से इस एसे को आप लोग लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीक का जो निबंध है उसको भी आप लोग अच्छे से लिख सके। ये दोनों निबंध जो होंगे वो आप लोगों के कनेक्टिविटी में देखने को मिलेंगे, यानी कि तीन निबंध जो कि पास्ट में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोगों के पास में पॉइंट है तो आप लोग बस पॉइंट को थोड़ा सा एयर फेयर कर उस अच्छा निबंध आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यही है बेसिकली शब्द का खेल होता है, किस तरीके से किस शब्द को आप लोग कहां पर घुमाते हैं। अगर शब्द घुमाना आप लोग जान गए तो देखिए छोटा, अगर आप लोग कम भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो नहीं कहते हैं कम खाओ पर अच्छा गाओ, जितना कम पढ़ाई कर रहे हैं पर लेकिन आप लोग अच्छे से उसको पचा पा रहे हैं तो फिर एग्जाम में कभी भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस हमेशा से आप लोग करते रहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के आर्टिकल्स के बारे में। सैटरडे होता है तो सैटरडे को कम आर्टिकल रहते हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल है। जो यहां पर ये वाला आर्टिकल है, ये बात की जा रही है यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो जो जुडिशरी का रोल है वो बोल दिया जा रहा है कि जुडिशरी जो है वो ढंग से अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, या फिर जो जुडिशरी है वो लॉस्ट हो चुकी है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मैटर में, तो ये बात की जा रही है। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 14 आप लोगों को याद रखना है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग संविधान में। कौन से पार्ट में है? ये पार्ट थर्ड में है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट रखे गए हैं हमारे संविधान में। तो कहीं ना कहीं एक तो ये बात थी यहां पर जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी यहां पर CAA को। इसी के साथ में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया भी था, धर्मनिरपेक्षता जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में है, यहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा और कुछ पॉइंट इसके भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है CDS के बारे में, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं। एक नई पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, जो काफी लंबे समय से कई बार न्यूज में रहती है, तो कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसके बारे में बात की जा रही है, एक रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सेंटर ही कुछ करेगा, स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा, और स्टेट क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मुझे देखने को मिले, जो कि आप लोगों को पता भी रहने चाहिए। आप लोग ये आंसर राइटिंग में भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख रहे हैं, या फिर ये पॉइंट जो है आप लोग प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कौन से होंगे वो पॉइंट वो मैं आप लोग यहां पर डिस्कस करूंगा।
ये है सैटरडे, सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो। जो आज का ग्राउंड जीरो है यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को याद होगा 2014 में हमारी कंट्री में एक नया राज्य निकल के आया जिसको बोलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकाला गया और उसी के चलते फिर लड़ाई शुरू हुई यहाँ पर इनकी कैपिटल्स के बारे में, क्योंकि जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल है। पर लेकिन जब बात करने लगे कि क्या बनेगी आंध्र प्रदेश की कैपिटल, तो उसके लिए कई सारी बातें निकल कर आई। तो स्टार्टिंग से तो पहले बोला गया पता नहीं कौन सी बनेगी, फिर अमरावती को बोल दिया गया। तो लेकिन जब अब नई गवर्नमेंट चुनकर आई आंध्र प्रदेश के अंदर, उसने बोला है कि एक कैपिटल नहीं होगी, यहां पर तीन कैपिटल होंगी, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल बनने वाली हैं। तो ये आर्टिकल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो भी बातें हैं यहां पर वो सारी लोकल प्रॉब्लम को लेकर यहां पर डिस्कस की जा रही है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला राज्य हमारी कंट्री में ऐसा होगा जिसके पास में तीन कैपिटल होंगी। नॉर्मली दो दो कैपिटल तो आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य था वहां पे भी आप लोगों को देखने को मिलता है। समर और विंटर कैपिटल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, पर लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो फर्स्ट राज्य ऐसा होगा। साउथ अफ्रीका की भी आप लोगों को तीन कैपिटल देखने को मिलती है, जो कि उसी के पैटर्न पर यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कई सारे कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आज के डेट में चल रहे हैं। तो ये बात की जा रही है किसके बारे में, एनपीआर के बारे में और एनआरसी के बारे में। और एक नई टर्म और आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाली है, जो कि लेक्चर के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कौन सी टर्म है, ये है एनआरआईसी। आखिर ये क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक कर यहां पर चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है कि देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो वोट मांगने आते हैं। जो लोग वोट डाल रहे हैं, अब उन्हीं लोगों को वेरीफाई करना पड़ रहा है कि हम लोग इंडिया के सिटीजन है या नहीं है। कई सारे बच्चे मेरा व्यू मांगते हैं इसके ऊपर कि सर आपने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं। देखिए, अगर आप लोग ढंग से लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग मेरा व्यू हल्का सा समझ ही जाते होंगे कि मेरा व्यू क्या रहता है। वैसे मैं अलग से क्लियरली अपना व्यू जो है वो इसलिए प्रेजेंट नहीं करता हूं, क्योंकि जो राइटर के जो व्यूज हैं वो आप लोगों को ज्यादा बताया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे व्यूज जो हैं वो मेरे लिए हैं। मेरे व्यूज जो हैं वो एक तरीके से एग्जाम में आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे कि मैं अपने व्यूज आप लोगों को दूं, क्योंकि यहां पर हम लोग राइटर के व्यूज जानने के लिए हैं। मेरे व्यूज अगर आप लोगों को जानने भी हैं, फिर भी मैं बोल दिया करूंगा साइड में स्टार लगाकर कि हाँ यहां से मैं अपने व्यूज दे रहा हूं। तो देखिए, मैं एनआरसी के बारे में अगर अपने व्यूज दूं या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके बारे में अपने व्यूज दूं, तो देखिए कोई सी भी चीज जो है वो एक तरीके से एट प्रेजेंट टाइम जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेरे हिसाब से सही नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये एक अलग से प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, जबकि और बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिक नीड होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चों को एजुकेशन मिलती रहे, जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, जो एनवायरमेंट क्लाइमेट की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाए ताकि एग्रीकल्चर सही रहे। तो मेरे हिसाब से ये सही टाइम नहीं है कि इसके बारे में यहां पर इतना हाई लेवल पर जो अभी हमारी कंट्री में कैयोस देखने को मिला वो यहां पर होना चाहिए था। तो इसीलिए यहां पर जो बेसिक फोकस होना चाहिए था वो बेसिक चीजों पर होना चाहिए था। जब बेसिक चीजें सेटल हो जाए तो फिर आप लोगों को इन सब चीजों के ऊपर फोकस देना चाहिए, पर लेकिन वो भी किसी को सेग्रीगेट कर नहीं, क्योंकि अगर अलाउ करना चाहते हैं तो फिर सबको अलाउ किए, और वैसे भी मेरे हिसाब से तो किसी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में खुद की प्रॉब्लम आप लोग सोल्यूशन कर नहीं रहे हैं। हमारे खुद के जो सिटीजन है वो भुखमरी इंडेक्स में सबसे नीचे पड़े हुए हैं। एजुकेशन का लेवल आप लोग समझते हैं, हेल्थ सर्विस किसको प्रोवाइड कराई जा रही है वो समझते हैं, और दूसरे लोगों को भी आप लोग यहां पर बुलाकर क्या कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल सही फंडा नहीं है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात यहां पर ये होगी, अब फिर रिफ्यूजी जिनको मारा जा रहा है उनका क्या किया जाए। तो आसपास की जो कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो सबसे बातें की जाए। बातें करने के बाद में सब कंट्री से अगर कोई रिफ्यूजी है, कोई प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, तो सब में और लोकल एरिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो लोकल कंट्री है आसपास वाली। तो एक तरीके से सब मिलकर काम करें, ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्मदान करें इस तरीके से, हमारी खुद की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी कल को अगर कुछ ऐसी कंडीशन होने लगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट की साइड से जो स्टेटमेंट आती है निकलकर, उसमें क्लैरिटी नहीं है। एक मिनिस्टर कौन बोलता है, कुछ बोलता है तो दूसरा कुछ बोल देता है, तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, जो ग्रुप है, मैंने आंसर राइटिंग ग्रुप की जब बात की थी, उसमें कोई भी धर्म से रिलेटेड आप लोग कमेंट न करें। अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी कमेंट पाया गया और उसको किसी एक बंदे ने भी अगर उसको रिपोर्ट किया, तो फिर मैं उसको ब्लॉक करूंगा। ठीक है, तो धर्म से रिलेटेड कोई कमेंट न करें। वहां पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ाई पर पूरा फोकस करें आप लोग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ाई पर पूरा फोकस आप लोगों वहां पर होना चाहिए। तो किसी के धर्म को लेकर आप लोग कमेंट न करें। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट न करें, ये मैं आप लोगों को हिदायत दे रहा हूं, जो कि अच्छा भी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक क्रिटिकल
माइंड रखें, पर लेकिन आप लोगों को किस तरीके से आंसर देना है, कैसे रिप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्डिंग है जो आप लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, जब आप लोग इंटरव्यू देंगे तो वहां पर भी ऐसे ही निकल कर आएगी। तो अगर आप लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल से ही, तो फिर आगे आप लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी से सोच के चलना है कि यू आर ए आईएएस ऑफिसर, अगर ये आप लोग अभी से सोचकर चलेंगे तो फिर आगे चीजों को आप लोग कंप्लीट इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आइए अब आर्टिकल को आगे समझते हैं। हमारी कंट्री में भी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको एनपीआर आप लोग बोलते हैं। एनपीआर की जो ये प्रोसीजर है ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंप्लीमेंट की जाएगी 2020 में, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहां पर हमारी कंट्री में ये एनपीआर हो रहा है, जिसके चलते इतना शोर यहां पर हो रहा है। एनपीआर जो है वो 2010 में भी कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि 2011 में जो था वो हमारी कंट्री में सेंसस आया था, तो सेंसस से पहले ये इंप्लीमेंट की जाने वाली एक्सरसाइज है, जो कि आसाम में इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, क्योंकि आसाम में और भी कई सारे इश्यूज हैं, आसाम की जो लोकल पोल में उसके चलते यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो टोटल जो सेंसस है उसके लिए जो बजट है ये 8,754 है। बाकी अगर बात करें जो एनपीआर के लिए जो यहां पर बजट रखा गया है ये 3,941 है। तो ये भी फैक्ट आप लोगों से, अगर वनडे टाइप जैसे एग्जाम होते हैं एसएससी बैंकिंग, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है कि एनपीआर को कितना बजट यहां पर दिया गया है या फिर सेंसस को कितना बजट दिया गया है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। एनपीआर कौन है यहां पर, किस लोगों को आप लोग एनपीआर की कैटेगरी में रखेंगे, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो आप लोग देखिए पॉपुलेशन का मतलब है कि यहां पर ये नहीं पता कौन सिटीजन है और कौन नॉन सिटीजन है, यानी कि ये जो डेटा है इसमें कोई सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों इकट्ठे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एनपीआर का फिर मतलब क्या हो गया, तो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों हो गए, तो फिर मतलब कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसे निकालेंगे कि हमारी कंट्री में रह कौन रहा है, ये हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तो उसके चलते ये बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान यहां पर 6 महीने से रह रहा है, यानी कि 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आने वाले 6 महीने में रहने वाला है, यानी कि 1 महीने तो रह लिया है और 5 महीने रहने वाला है, तो उसको अपना नाम जो है वो एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। तो यह है बेसिक इसकी डेफिनेशन, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हर लेवल पे होगा, विलेज लेवल पर, सब ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, हर लेवल पर यहां पर ये प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली, जो हम लोग बात करें एनपीआर के बारे में। लास्ट टाइम कब प्रिपेयर किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, 2010 में प्रिपेयर किया गया था। डाटाबेस मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तो जिसका डेटाबेस होता है ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा इसका डेटाबेस जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के क्वेश्चन बता के चल रहा हूं साथ में, जो कि आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर एसएससी बैंकिंग का एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वो भी आप लोग यहां पर कवर डायरेक्ट आप लोग होते रहेंगे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेटा क्या क्या यहां पर रखा जाएगा। जो एनपीआर की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक, जैसे कि जनसंख्या की है, जैसे कि आप लोग बोले कि पर्सन का नाम रहेगा, उसके फादर मदर या फिर कहां पर पैदा हुआ है, नेशनलिटी कहां है, कहां पर है, कहां पर रह रहा है और परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें यहां पर पूछी जाएगी। बायोमेट्रिक भी आप लोग को देखने को मिलेगा, अगर आधार कार्ड है तो आप लोगों का बायोमेट्रिक फिर यहां पर नहीं होगा, तो इसके चलते आधार कार्ड से आप लोगों का डेटा जो है वो यहां से ले लिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर यहां पर कंडक्ट कराया जाना है। आखिर एम क्या है इसका, एम बेसिक ये है कि एक तो पता होना चाहिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को कि हमारी कंट्री में कौन कौन लोग जो हैं वो रह रहे हैं आज के डेट में, बाहर के लोग, हमारे लोग कौन हैं आप, ताकि जैसे आयुष्मान भारत हो गया, जनधन जो स्कीम हो गया, उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, जनता तक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है उनको पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट बात क्या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गवर्नमेंट टारगेट कर सके टारगेटेड पॉपुलेशन को कि हाँ भैया इनको प्रॉब्लम है, इनको ये स्कीम पहुंचानी है, अपनी प्लानिंग कर सके और सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा बंदा कुछ ऐसी हरकतें करके निकल जाता है तो उसको हम लोग कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन है। तो इसलिए यहां पर इसका ये बेसिक एम ये है कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन कर सकें। नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है एनपीआर और एनआरसी के बारे में। एनआरसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो नेशनल, इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो यहां पर सिटीजन की बात की जा रही है, यहां पर पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप लोग एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अगर इसको कंडक्ट करा देते हैं एक बार, तो एनसीआर जो है वो इसके अंडर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसी में से एनसीआर निकाला जाना है, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है ये, सॉरी एनआरसी, एनसीआर बोल रहा हूं, एनआरसी जो है वो इसी में से निकाला जाना है एनपीआर में से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां पर जो 6 महीने का टारगेट रखा गया है तो उसमें से फिर यहां पर इसको निकाला जाएगा। और एनआरसी में अभी कितने लोग हैं यहां पर, ये 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड यहां पर किया गया है। इसका मतलब ये इनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे सिटीजन नहीं है, तो ऐसा बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी जो डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए वो एनपीआर और सेंसस में होना चाहिए। एनपीआर क्या है, पॉपुलेशन को काउंट करेगा कि हाँ ये पॉपुलेशन है, पर लेकिन सेंसस जो है वो एक ह्यूमंगस एक्सरसाइज होती है जिसमें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को
क्या करता है, कहां पर रहता है, क्या क्या कंडीशन है, कितनी पढ़ाई कर रखी है, ये सारी चीजें काफी लार्ज स्केल पर लोकल एरिया में क्या क्या कंडीशन है। तो ये सारा सेंसस जो होता है वो काफी बड़ी एक्सरसाइज है। यहां पर तो बस आइडेंटिफाई करना है कि तुम कौन हो और कहां के हो, ठीक है। तो दोनों के लिए डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा तो डिफरेंस ये कि इनके जो लेजिस्लेशन है जो इनके लॉ है। सेंसस की जब बात करते हैं तो सेंसस एक्ट 1948 आता है, और एनपीआर की बात करते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है। तो ये दो एक्ट है जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी एनपीआर में जो नॉर्मली आप लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है, पर सेंसस में ये डेटा आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। ये आप लोगों से ऑलरेडी जो है आधार कार्ड में ले लिया गया है, तो यहां पर इसको नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। और बाकी अगर ये बात करें, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो सिटीजनशिप होने का प्रूफ नहीं होता है। ये ऑलरेडी हमारे होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आप लोगों ने देखी होगी। सेंसस क्या होता है, घर घर जाकर जब पूछा जाता है कि भैया आप लोग घर में कितने आदमी है, कौन क्या क्या करता है, कहां कहां पर रहता है, ये सारी चीजें जब इंफॉर्मेशन ली जाती है, जमीन जाया जाती है, सारी चीजें आप लोगों से नॉर्मली जो आप लोगों का जो डेटा है वो यहां पर कलेक्ट किया जाता है। अगर बात करें यहां पर कैब के बारे में, जिसको सिटीजनशिप बिल आप लोग बोलते हैं, हालांकि अब एक्ट बन चुका है, तो इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब आप लोग बोलिए। किसको चेंज किया गया इसमें आप लोग बताइए, नीचे वीडियो को पॉज करिए, किसको चेंज किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो यहां पर आप लोगों को जो चेंज देखने को मिला वो जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसमें चेंज किया गया है। तो इसके चलते जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिस्ट, ये जो प्रोसिक्यूट की जा रही है दूसरी कंट्री में, उनको अलाउ किया जाएगा। और कट ऑफ डेट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हमारी कंट्री में आया तो उनको यहां पर इंक्लूड किया गया है। मुस्लिम और जो यहां पर श्रीलंकन जो तमिलियन है उनको इंक्लूड नहीं किया गया, रोहिंग्या कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया, एथिस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके चलते बोला गया कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री को। तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ी यहां पर डिस्कस की जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको आप लोग डिफरेंस, उसका डिफरेंस देखिएगा, ये एक अलग चीज है, एनपीआर अलग चीज हो गई, और जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया जो एनआरसी है वो एक अलग चीज हो गई। एनआरसी के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो यहां पर जो कट ऑफ डेट है 24 मार्च 1971 है, जो कट ऑफ डेट रखी गई है, अगर कोई हमारी कंट्री में आया इसके बाद अगर कोई आया तो उसको इलीगल पर्सन माना जाएगा, जिसके बेस पर 19 लाख लोगों को अभी हम लोगों ने अलग निकाल दिया है। तो देखिए अगर आप लोग बात करें एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें, तो ये दोनों का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि इसमें तो जो हमारी कंट्री में लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है। नेक्स्ट जो बाहर के जो लोग हमारी कंट्री में बुलाए जा रहे हैं इस वाले में, और उनको खुद अपने आप डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है कि यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोसीजर है ये काफी लार्ज स्केल पर लोगों को खल रहा है, यानी कि जो 10-50 सालों से कंट्री में रह रहे हैं उनको तो आप लोग हेल्प प्रोवाइड नहीं करा नहीं रहे, बाहर के लोगों को कंट्री में बुलाकर उनको हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग इतना ही अच्छा काम करना चाहते हैं तो जो हमारी कंट्री में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, उन्हीं को आप लोग ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दे ताकि वो अपनी जिंदगी गुजर बसर आसानी से कर सके जो ऑलरेडी यहां पर रह रहे हैं। बाहर के लोगों को कहां आप लोग बुला रहे हैं, वो किस तरीके सेटल होंगे, कहां पर आप लोग इनको सेटल करोगे, उसके बारे में कोई डेफिनेशन आप लोगों की नहीं है। और इसमें से जो 19 लाख लोग आप लोगों ने निकाले हैं ये किस कंट्री में भेजे जाएंगे, इसके बारे में कोई पर्टिकुलर डेटा आप लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहां पर डिस्कस किया गया आर्टिकल के अंदर, ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो रजिस्टर यहां पर सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए यहां पर तैयार किया जाता है, लोकल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। जो एनपीआर है यहां पर, ठीक है, तो एनपीआर है वो यहां पर वेरीफाई करेगा डिटेल, और जो सिटीजनशिप है वो ईच इंडिविजुअल की फिर स्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह हो गया, अगर इनको देखा जाए तो ये मकड़ी का जाला है, सारे एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग कनेक्ट नजर आ जाएंगे, क्योंकि डेटा जो है वो बार बार गवर्नमेंट इकट्ठा नहीं करेगी, गवर्नमेंट एक बारी डेटा इकट्ठा करेगी फिर उसी डेटा को यूज कर अलग अलग चीजें उसमें से निकालती हुई नजर आएगी। तो सबसे जो एक्सरसाइज है सबसे बड़ी है दो है यहां पर, एक तो हो गया एनपीआर और दूसरा हो गया यहां पर जो सेंसस हो गया, ठीक है। सेंसस तो एक अलग फंडा हो गया, पर एनपीआर को कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि सिटीजन और नॉन सिटीजन का पता चल जाएगा यहां से, और उसके बाद में फिर एनआरसी आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो एनआरसी के बाद में फिर आप लोगों की चीजें जो है वो आगे चलती हुई नजर आएगी। उसके बाद में जब जो भी यहां पर बाहर निकले फिर आप लोगों को देखना है कि फिर आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है कितने लोग अपनी कंट्री में आ रहे हैं। तो ये पूरी घालमेल जो चल रही है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे दूधिया नहीं होता है, वो क्या करता है, जो दूधिया होता है वो क्या करता है कि दूध लाता है उसमें पानी जो जहां जहां पानी जो दूध खत्म होता रहता है उसमें पानी डालता रहता है, ठीक है। तो जो घालमेल चलती है ना वो वाली घालमेल यहां पर चल रही है। तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ये आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में कई बार हमारी कंट्री में बात की जा चुकी है। हमारी कंट्री में तीन मेन जो फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज को काउंट नहीं कर रहे यहां पर, आर्मी इसी के साथ में एयरफोर्स और नेवी। तो ये देखिए जब डिफेंस मिनिस्ट्री से जाकर मिलते हैं तो सारे अलग अलग जाकर मिलते हैं यहां पर, ये ठीक है, अलग अलग बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से। अगर कोई ऑपरेशन चलाने होते हैं तो सबके ऑपरेशन जो है वो अलग अलग रहते हैं। अब यहां पर एक सिंगल पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है, इसका क्या मतलब रहेगा? इसका यह मतलब रहेगा तीनों जो पोस्ट है यहां पर ये इसके अंडर में आ जाएगी और ये डायरेक्ट जाकर मिनिस्ट्री से मिलेगी। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा रथ वगैरह देखेंगे शादी में, उसमें तीन चार घोड़े एक साथ जुड़े रहते हैं तो वो एक डायरेक्शन में चलते हैं तो आसानी से वहां पर उनको टैकल किया जा सकता है। पर लेकिन अगर अलग अलग चल रहे हैं तो अगर कोई ऑपरेशन चला रहे हैं कहीं पर तो फिर वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पास्ट में पाकिस्तान के साथ में जो हमारी जो लड़ाई हुई या चाइना के साथ में जो वॉर हुई, उन सब चीजों को अगर ध्यान में रखें तो तीनों जो फोर्सेज हैं वो एक डायरेक्शन में यहां पर काम करें, यानी कि एक आवाज पर तीनों फोर्स यहां पर तैयार दिखें। तो ऐसा कुछ फंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये यहां पर कौन हेड करेगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री जो अफेयर है, डीएमए जिसको बोला गया है, उसको यहां पर हेड करता हुआ नजर आएगा। हमारी कंट्री में लगभग चार महीने पहले अगस्त 15 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये पोस्ट क्रिएट करने का अनाउंसमेंट किया गया था कि ये पोस्ट हमारी कंट्री में क्रिएट की जाएगी, जिसमें तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहां पर एक तरीके से एक इंपैक्ट डालेगा इनके रोल एंड फंक्शनिंग पे, क्योंकि अब तक जो है तीनों वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, अब यहां पर इनको एक सिंगल डायरेक्शन में डालने की कोशिश की जाएगी तो इनका रोल और फंक्शनिंग पर भी काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। और यहां पर जो ये रैंक रहेगी ये फोर स्टार रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक नई रैंक तैयार की जा रही है जिसके चार स्टार आप लोग कंधे पर नजर आएंगे और इसी के साथ में ये सेक्रेटरी होंगे डीएमए, यानी कि जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, तो इसके जो यहां पर एक तरीके से सेक्रेटरी होंगे यहां पर ये। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स में डायरेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को ट्रेडिशनल मिलिट्री का देखने को मिलेगा। अब तक क्या है, अलग माइंडसेट पे काम किया जा रहा है, कई सारी जो प्रॉब्लम होती है वो उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, पर लेकिन जब मिलकर काम करेंगे तो यहां पर यूनिशन यानी कि एक सुर में काम करेंगे सारे, जो गोल होगा उसको एकदम फिक्स किया जाएगा और उसको टैकल करके सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो वर्किंग सेपरेटली जो कर रहे थे यहां पर ये, अब यहां पर ज्वाइंटनेस आप लोगों को नजर आएगी और इसी के साथ में जो वेरियस सर्विसेज हैं, जैसे कि आप लोग देखते थे कहां कहां पर नॉर्मली मिलते थे, तो विलिंगटन कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता था नॉर्मली कि विलिंगटन में मिले। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, जैसे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज तो तमिलनाडु के अंदर विलिंगटन में है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये विलिंगटन यही इंडिया वाले विलिंगटन की बात की जा रही है। अच्छा ये बताइए ये सेम नाम विलिंगटन एक और कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां पर है ये आप लोग बताइए। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी, सर्च कीजिएगा जाकर, ठीक है, फिर आप लोग जादू देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर नेशनल डिफेंस कॉलेज के बारे में, तो ये दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको एनडीसी आप लोग बोलते हैं। तो नॉर्मली जो फोर्सेज हैं ये यहां पर जाकर मिलते हैं जब इनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, तो नॉर्मली इनमें ज्वाइंटनेस और कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो ये चांस है क्विकली किस तरीके से सारों को एक जगह इकट्ठा हम लोग एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं, ताकि कल को अमेरिका अगर अफगानिस्तान से निकल कर जाता है तो हम लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। अगर यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसिस निकल कर आ रहे हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद में, अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है कंट्री को पाकिस्तान की साइड से, तो वो कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो वो भी हम लोग यहां पर कर सके। तो इसी के चलते जो कैबिनेट के द्वारा रिलीज किया गया यहां पर डेटा, उसके द्वारा बोला गया है कि तीन साल जो है इनके थ्री ईयर जो है यहां पर वो बेसिकली देखने को मिलेंगे, जो कि एम्बिशियस विजन निकलकर सामने निकलकर आ रहा है। पहले जो यहां पर चीफ रहेंगे उनको तीन साल दिए जाएंगे और तीन साल में उनको पूरा काम दिया जाएगा कि वो कंक्लूड करें कि किस तरीके से बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करना है। बाकी आगे आने वाले जो सक्सेसर है उनके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा कि पहले आप लोग थोड़ा सा काम आप लोग कर दें, नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोग कर दें, ऐसे नहीं। तीन साल में पूरा एक मैच्योर पोस्ट क्रिएट की जाएगी यहां पर, ताकि आने वाले टाइम में जो सिंक्रोनाइजेशन किया जा सके के अंदर, यानी कि सारी सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल ऐसे चल सके जैसे गाड़ी के चार पहिया होते हैं एक साथ में मिलकर, ठीक है, या फिर थ्री व्हीलर ले लीजिए आप लोग क्योंकि उसमें तीन पहिया होते हैं, ठीक है, गाड़ी के तो चार हो जाएंगे, तो तीन जिस तरीके से टेम्पो ऑटो वगैरह आप लोगों ने रिक्शा वगैरह देखा होगा तो उस पैटर्न में चल सके। तो ये पैटर्न यहां पर फॉलो करने की बात इनके द्वारा की जा रही है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किस किस को टैकल कर रहा है, कहां पर कौन कौन क्या क्या है, तो ये सारी बातें मैंने यहां पर डिस्कस की। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बारे में। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, रुकी हुई यानी कि थमी हुई, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो इकोनॉमी जो है वो रुक गई है हमारी, आगे बढ़ ही नहीं रही है।
तो यहां पर जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक तो जो रिसोर्सेज है उनको ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए और खुद इन्वेस्टमेंट यहां पर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का जब मतलब यहां पर बोला जाए तो इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर यहां पर बात नहीं की जा रही है। आखिर सेंटर कैसे, तो यहां से आप लोग कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रोथ जो है हमारी कंट्री का वो नीचे ही जाता जा रहा है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें यहां पर की गई है। आइए एक एक कर नजर आते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बारे में, अगर बात करें जो रिसोर्सेज हैं वो काफी कम होते जा रहे हैं और फिस्कल डेफिसिट काफी लार्ज स्केल पर यहां पर तेजी से बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आमदनी 58 और खर्च रुपया, यानी कि घर से मिल रहे हैं 10,000 रुपए, खर्च कर रहे हैं आप लोग 15,000 रुपए, 3,000 रुपए लोगों से उधार लेकर खर्च कर रहे हैं, तो डेफिसिट में चल रहे हैं आप लोग 3,000 रुपए के, तो ये होता है यहां पर फिस्कल डेफिसिट। जब फिस्कल यानी कि एक साल का जब कंप्लीट यहां पर निकाला जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर जब यहां पर एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की जो रिसेंटली अभी मीटिंग हुई वहां पर बोला गया, ये ऑप्टिमिज्म यहां पर दिखाया गया कि चीजें जो है वो जल्दी ही सही होने वाली हैं। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनके द्वारा यहां पर दिखाया गया कि प्रॉब्लम चल रही है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एक मैंने आप लोगों से वर्ड डिस्कस किया था, आप लोगों ने शायद वो आर्टिकल अगर सुना होगा तो आप लोग समझ पाएंगे, साइक्लिक और स्ट्रक्चरल के बारे में डिस्कस किया था। साइक्लिक प्रॉब्लम क्या होती है, साइन साइन आप लोगों ने देखा, साइन का जो वर्ड होता है ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में बात करिए, फिर छोड़िए साइन थीटा कोस थीटा। समुद्र की लहरें देखिए ना, समुद्र की लहरें जो होती है रुक रुक कर ऐसे ऐसे आती रहती है ठीक है, तो ये समुद्र की लहरें होती है, तो ये साइक्लिक वे में चलती रहती है, यानी कि अभी एक ऊपर है तो नीचे आएगी, और जो नीचे इसका मतलब ये नहीं वो ऊपर नहीं जाएगी, जल्दी वो ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई डाउन आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब नीचे है तो ऊपर भी जाएगा। पर लेकिन अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है तो इसका मतलब यह है कि जिस नींव पर घर खड़ा हुआ है वो नींव ही बर्बाद है, तो घर गिरने वाला है, ऐसा नहीं है कि गिरने के बाद में घर अपने आप खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, या फिर लंबे समय तक खड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं खड़ा रहेगा, तो इसलिए नींव ही बर्बाद है, स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, तो स्ट्रक्चर आप लोगों को सही करना पड़ेगा। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा बोला गया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने आप लोगों को, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चल रही है यहां पर, तो इसमें क्या बातें निकल कर आई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारी कंट्री में जो नीडेड है रिफॉर्म लाने की, तो गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आएगी और मेनली गवर्नमेंट ही यहाँ पर ऐसे काम करती है। अगर बात करें इंपैक्ट ऑन टैक्सेस की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग माने तो बिजनेस का कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस और इसी के साथ में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो डाउन है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो खरीद नहीं रहे हैं, बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और जो कैपेसिटी है उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब आप लोगों की कैपेसिटी है दिन में लगभग अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग 15-16 घंटे पढ़ सकते हैं, पर लेकिन पढ़ते कितने पढ़ते हैं यहां पर लगभग 3-4 घंटे मुश्किल से किताबें उठाते हैं, और उसमें भी दिमाग में हवाएं चलती रहती हैं और कहीं और दिमाग रहता है, तो ऐसा नहीं करना होता है। करना क्या है बेसिकली, जब आप लोग, चाहे एक बात बता दूं आप लोगों को, कब आप लोगों को लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग वे है, आप लोग अपने आप को समझ सकते हैं। जब आप लोग किसी भी चैप्टर को आप लोग पढ़ रहे हैं और उसकी इमेज जो है वो आप लोगों के माइंड में चल रही है, यानी कि आप लोग एक इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं उसको लेकर, ये तब आप लोग समझिए कि आप लोग एक किताब को सही तरीके से पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में माउंटेन्स चल रही है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में अकबर औरंगजेब, तो उनकी पिक्चर आप लोगों के माइंड में आ रही है, तो इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। पर लेकिन अगर इमेज क्रिएट आप लोगों के माइंड में नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप लोग चीजों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, चीजों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, बस लाइन देख रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों की कॉपी में किताब में लिखी हुई है, तो वो नहीं होती है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग इमेज बना पा रहे हैं जब पढ़ रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अपना जो माइंड है उसको ढंग से स्टेबल करके चीजों को देख पा रहे हैं, तो वो होती है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है, यहां पर आगे हम लोग पढ़ते पढ़ते अगर मैं पूछूं इससे पहला आर्टिकल कौन सा है तो एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए, इससे पहला आर्टिकल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो वो हम लोगों ने किया एनसीआर एनआरसी और जो एनपीआर के बारे में, इस तरीके से। तो इसका मतलब है पढ़ रहे हैं, पीछे की चीज भी आप लोगों को याद है, ये ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ गए पीछे की भूल गए, तो ये नहीं है। इससे पहला कौन सा डिस्कस किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में डिस्कस किया, तो डायरेक्ट आप लोगों के माइंड में क्विकली वो निकल कर आना चाहिए। तो अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ नहीं रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, आप लोगों को खुद डिसाइड कर लेना है, कोई बताने के लिए नहीं आएगा और आप लोगों से अच्छा कोई आप लोगों को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है कि यहां पर कोई एस्केपिंग बचने का कोई रास्ता भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, इस तरह की कंडीशन यहां पर बन गई है। रीजन क्या है, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है और इसी के साथ में जो रिसोर्सेज हैं वो भी यहां पर हमारी कंट्री में काफी कम देखने को मिल रहे हैं, तो रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन क्या है, हमारी कंट्री में जो टैक्स रिवेन्यू है वो अभी 1.5 लाख करोड़ जो है वो कम पड़ गया, यानी कि इतना रिवेन्यू हमारी कंट्री में टैक्स का वो कम निकल का आया गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट के पास में तो पैसा ही नहीं है, तो कैसे गवर्नमेंट यहां पर इसका सोल्यूशन निकालेगी। अब यहां से प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है।
सबसे पहली बात तो यह है कि सेंटर जो है वो स्टेट को कितना पैसा देता है, तो 42% देता है। आप 42% के हिसाब से अगर बात करें तो 84 करोड़ यहां पर अभी लॉस हुआ है स्टेट को रिवेन्यू का, जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस हुआ है उसके चलते। अगर बात करें अभी यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी घटाया गया हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो कंपनीज है उनको फायदा पहुंच सके। तो इसके चलते 1.45 लाख करोड़ जो टैक्स है कॉर्पोरेट का वो कम हुआ, तो इससे राज्य जो है उनको 58,000 करोड़ रुपए कम मिले, 84,000 करोड़ रुपए यहां से कम मिले, 58,000 करोड़ रुपए यहां से कम मिले राज्य को। अब देखिए राज्य के पास तो कम से आया, अब राज्य क्या करेगा, अब सेंटर तो अपना जुगाड़ कर लेते हैं, आरबीआई से ले लिया 1.7 लाख करोड़ रुपए जो आरबीआई के पास में इकट्ठे पड़े हुए थे। तो कितने लिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग से अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आरबीआई से ले लिया, इसने कितने पैसे लिए, 1.7 लाख करोड़ जो आरबीआई का रिजर्व था उससे निकाल लिए। ये पैसा स्टेट के साथ में शेयर नहीं करेगा, ये सेंटर का पैसा है, तो स्टेट का तो कमी होगी, यहां से भरपाई नहीं हुई पर सेंटर ने अपनी भरपाई कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड को आप लोग समझिए, मान लीजिए किसी पब्लिक अंडरटेकिंग, अगर पीएसयू के बारे में बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में, उसमें मान लीजिए ओएनजीसी के बारे में बात करें, अगर गवर्नमेंट के शेयर इसमें 100% है और गवर्नमेंट क्या करे 21% शेयर इसमें से बेच दे, तो गवर्नमेंट के पास में अच्छा खासा मनी आएगी, पर लेकिन वो पैसा भी यहां पर गवर्नमेंट स्टेट के साथ में शेयर नहीं करेगी, इसके पास में पैसा यहां पर आ जाएगा। यानी कि राज्य के पास में अगर कमी है तो वो कमी रहेगी, सेंटर अपनी कमी की भरपाई कर लेगा। तो अब यहां पर किसको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर कोई इकोनॉमी कमी आ रही है तो आप लोग समझ जाइए, यानी कि बात ही आ रही है निकलकर कि जो सेंटर है उसको यहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से यहां पर जो स्टेट है उसके साथ भी थोड़ा सपोर्ट करके चलना है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जा रही है, सेंटर क्या कर रहा है वो रोक रहा है उसको, उसका शेयर ही नहीं कर रहा है स्टेट के साथ में, तो वो ढंग से शेयर करना चाहिए। अगर 14% से लेस यहां पर ग्रोथ होता है तो फिर कम से कम रिवेन्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास में कोई अल्टरनेटिव है नहीं है। पर लेकिन राज्य क्या करता है, सेंटर क्या करता है, सेंटर तो इसका सोल्यूशन रखता है, वो बोलता है उनको सजेस्ट करता है आप लोग क्या करो, आप लोगों के पास में जो टैक्स लगाने का जो क्राइटेरिया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम गुड्स और लीकर यानी कि शराब वगैरह पर कौन टैक्स लगाता है, तो ये किसके प्रीव्यू में आते हैं, सेंटर के या फिर स्टेट के, तो ये स्टेट के अंडर में आते हैं। इसी के चलते जीएसटी जो है उसको बोला जा रहा था कि जीएसटी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम है, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कहीं पर भी जाते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग राज्य में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिफरेंट कई बार नजर आता है, तो इसके चलते राज्य की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है। तो यही बोला जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के कंट्रोल में है, तो आप लोग इनके ऊपर आसानी से टैक्स लगा सकते हैं और यहां से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पर लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, अखरोट लेकर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु के अंदर में, तो वो कहां से जाएगा, वो डीजल से जाएगा, डीजल आप लोगों ने महंगा कर दिया, तो अखरोट अगर यहां पर 5 रुपए का था, वहां जाकर उसको 10 रुपए का बेचा जाएगा फिर, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ेगा, तो डिमांड जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो इस तरीके से डिमांड और कम यहां पर होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो ये भी एक गलत तरीका है आप लोग इस तरीके से अगर आप लोग सोच रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इनकम टैक्स के बारे में बात की जा रही है। कई सारे जो लोग बोल रहे हैं जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो है एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, पहले तो आप लोग ये याद रखिए। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, अमीर पर ज्यादा लगता है, गरीब पर कम लगता है, ये इनकम टैक्स का एक फायदा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो सब पर एक जैसा लगता है। यानी कि अगर आप लोग पेन खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ये पेन मैं खरीदूं, आप खरीदें, या फिर कोई टाटा अंबानी या रिक्शा वाला खरीदे, सबको एक ही प्राइस का मिलेगा, तो ये रिग्रेसिव टैक्स है, सब पर एक जैसा इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो बोला जाता है इनकम टैक्स जो है अगर आप लोग उसको बढ़ा दें या घटा दें तो इसके भी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर निकल कर आते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स यहां पर बढ़ा दिया तो बड़ी बात यह होगी कॉर्पोरेट का टैक्स तो आप लोग कम करने, कंपनी का और जो मिडिल क्लास है उसका टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो कि सही तरीका नहीं होगा। इतना ज्यादा इनकम टैक्स कौन पे करेगा। इनकम टैक्स को अगर आप लोग रिड्यूस करते हैं तो वहां से कुछ फायदा निकल कर आएगा, आप लोगों का कलेक्शन तो कम होगा थोड़ा सा, पर लेकिन डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग सामान कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करेंगे, और इसी के चलते जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको आप लोग काउंट ही नहीं करते, रेडी वाले, ठेले वाले, कौन कौन कहां पर क्या कर रहे हैं उनको आप लोग काउंट ही नहीं करते, उनको भी आप लोग काउंट कर चलना चाहिए, बहुत बड़ा सेक्टर है। और गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी 2019 में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इसमें इनके द्वारा एक तालिस्म दिया गया था, इसमें बोला गया था कि लास्ट पर्सन फर्स्ट, यानी कि एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचो जो सबसे गरीब है, वो सबसे पहले उसके बारे में सोचो, उसके आपको कोई स्टेप अगर आप लोग उठाते हैं, डिसीजन कोई लेते हैं, उस गरीब पर्सन को क्या फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वही काम यहां पर करने की सजेशन दिया गया राइटर के द्वारा, जो गवर्नमेंट को अगर ऐसा करेगी तो सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकलते हुए आप लोगों के सामने अपने आप ही नजर आएंगे। तो इतना कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आइए अब चलते हैं आगे न्यूज एनालिसिस के ऊपर, न्यूज एनालिसिस के ऊपर नजर डालते हैं।
सबसे पहले यहां सबसे बड़ी दुर्घटना भी आज देखने को मिली यहां पर, ये थी कहां पर, ये थी यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजाकिस्तान के अंदर में। तो कजाकिस्तान में जो यहां पर ये जहाज था ये गलत जगह पर जाकर टकरा गया और इसी के चलते कई सारे लोगों की जान भी चली गई। 100 पैसेंजर थे यहां पर इसमें, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, आप लोगों को पता है आर्मी जो चीफ है हमारी कंट्री के बिपिन रावत साहब, उनके द्वारा एनआरसी को लेकर एक अभी स्टेटमेंट दी गई। तो जो एनआरसी को लेकर स्टेटमेंट दी गई तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी सामने निकल कर आई कि आर्मी चीफ होने के नाते इनका कोई हक नहीं पड़ता इस तरह का कमेंट करें, तो यहां पर उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये गलत तरीका है। तो उसी के चलते जो स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आ रही है वो ये बोला जा रहा है यहां पर, अब यहां पर वीके सिंह जो हमारी कंट्री के फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं कि देखिए ये यहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, आर्मी चीफ के जो शब्द हैं उन पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सही शब्द यहां पर बोले गए हैं कि यहां पर हम लोग की जो कंट्री है उसकी सिचुएशन कैसी है। ये भी एक सिटीजन है, इनको भी यहां पर अपनी राय रखने का पूरा हक है, ठीक है। तो ये बातें हैं आज ही के जो न्यूज पेपर में यहां पर एक एडवर्टीजमेंट है। यहां पर देखिए, एक तो आप लोगों को पता है सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी है, उसी के साथ में जो मौसम है वो क्लियर नहीं है। तो अगर इसमें आप लोग यहां पर इस तरह की कंडीशन भी कोई करता है, शराब वगैरह पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं, तो आप लोग तो हालांकि ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, पर अगर कोई ऐसा यार दोस्त रिश्तेदार कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको रोकिए, क्योंकि खुद भी मरेगा और सामने वाले को भी लेकर मरेगा। और सर्दी इतनी है कि बुढ़ापे तक जो है वो नहीं है कि जो हड्डियां हैं उनमें दर्द होगा, फिर समझ में आएगा कि उस टाइम पर कुछ समझ में आ जाता तो ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं, बात हंसी मजाक की है पर लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बारे में। अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ता है यहां पर, उसके चलते ये होता है कि ये इन्वायरमेंट पर कितना इंपैक्ट डाल रहा है तो उसको चेक करना होता है। तो थर्मल पावर प्लांट बुलंदशहर में, उसके बारे में बात की जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बोला गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और इंस्टीट्यूट ऑफ IIT जो दिल्ली है कि वो चेक करे कि रिपोर्ट जो है वो कितना इंपैक्ट डाल रही है इन्वायरमेंट के ऊपर, और उसके बाद में देखेंगे क्या करना है इस पावर प्लांट का, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है स्टेप, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उठा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ये पावर होती है, 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट हमारे पास में होना चाहिए आर्टिकल 21 के तहत, तो वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो ऐसा यहां पर काम करता है। वर्ल्ड में तीसरी कंट्री हमारी है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। और यहां पर जो ये काम करता है, इसका काम करने का तरीका जो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से है, ठीक है, तो कोर्ट के जो तामझाम होते हैं उसके हिसाब से काम नहीं करता है, इसी के चलते जल्दी से जल्दी यहां पर ये सॉल्यूशन निकाल के आता है मैटर का। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद जो सावंत साहब उनके द्वारा बोला गया कि अगर जरूरत पड़ी तो यहां पर जो महादेवी रिवर है इसको लेकर, या फिर इसको आप लोग मांडोवी रिवर भी बोलते हैं, ये गोवा की लाइफलाइन वाली जाती है। तो इसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि अगर यहां पर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके खिलाफ भी जाना पड़े तो उसके खिलाफ भी जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये चाहते हैं कि जो महादेवी रिवर है वो इनके हिसाब से काम करे क्योंकि गोवा की लाइफलाइन है, पर लेकिन अगर कुछ गलत करे तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पिक्चर में आ रही है तो बोल रहे हैं उसके खिलाफ भी जाकर काम करेंगे। नेक्स्ट यहां पर IS यानी कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा 11 क्रिश्चियन को मार दिया गया, जो कि बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं नाइजीरिया के अंदर में। तो आप लोग अगर यहां पर देखेंगे जो 11 क्रिश्चियन को यहां पर मारा गया नाइजीरिया के अंदर में, तो ये आप लोग देखिए कहां पर है नाइजीरिया, ये हो गया नाइजीरिया, ठीक है। तो यहां पर 11 क्रिश्चियन को मारा गया और बोला क्या गया, मारने से पहले ये बोला गया कि हम लोगों ने बदला लिया है यहां पर जो अबू बकर अल बगदादी यानी कि इनके चीफ को जो मारा गया था, ठीक है, तो उसका बदला इनके द्वारा बोला गया कि हमारे द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये पुलकित लेक ये नेल्लूर के अंदर है, आखिर कहां पर है, कौन से राज्य में है, ये आप लोग बताइए, पता होना चाहिए, जाकर सर्च कीजिएगा। और आप लोग की रामसर साइट है जो मैंने बताया था वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप लोग की कंटिन्यू रहेगी, तो ये आप लोग बताइए इसके बारे में। आगे चलते हैं यहां पर NPA जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो बैंक है खासकर जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके बारे में बात की जा रही है। 9.9% जो है बोला जा रहा है सितंबर में जो रिपोर्ट आई RBI की, उसमें ये यहां पर हमारे जो RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास इनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर क्या है, ये है आज की डेट में अगर आप लोग फ्लाइट में जाते हैं तो जैसे विस्तारा फ्लाइट की बात की जा रही है, तो विस्तारा फ्लाइट जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी कंट्री की बनने वाली है जिसमें मोबाइल डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, सर्विस के ऊपर भी आप लोग इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, तो ये फर्स्ट ऐसी जो यहां पर सर्विस होगी हमारी कंट्री में जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जिसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। अगर ये फैसिलिटी उस दिन अवेलेबल होती तो आप लोग का जो ये आप लोग का जो लेक्चर था वो टाइम पर आ जाता। कई बार यहाँ पर इसकी वजह से भी जो लेक्चर आप लोगों का टाइम पर नहीं आया क्योंकि फ्लाइट काफी लंबी थी, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो अगर कोई प्रोडक्टिव यूज करता है तो उसके लिए तो फायदेमंद है, अगर कोई गलत यूज करता है तो फिर देखिए मिस यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कलाकारी के बारे में
जिसका शब्द भी यहां पर कला से ही रिलेटेड है, इसका नाम है कलारी पायर टू। ठीक है, तो ये एक तरीके का मार्शल आर्ट है जो कि केरला के अंदर यहां पर देखने को मिलते हैं 3rd century BC। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये पिक्चर में है, तो डायरेक्ट एग्जामिनर उठा लेगा तो बोलेगा कहां पर ये जो प्रोग्राम है ये देखने को मिलता है, तो ये केरला के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर बात की जा रही है कलारी पायर टू के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था अस्थामुड़ी वेटलैंड के बारे में। अस्थामुड़ी वेटलैंड ये एक रामसर साइट है, तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 27 रामसर साइट है। रामसर ईरान में एक जगह है जिसमें रामसर कन्वेंशन हुआ और वेटलैंड को यहां पर देखा गया। ठीक है, तो ये एक लेक यानी कि झील के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये अस्थामुड़ी कहां पर है, केरला के अंदर में है। तो 19 अगस्त 2002 को इसको रामसर कैटेगरी का डिजिग्नेशन दिया गया। जो टोटल एरिया है इसका ये है 614 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें तो ये नेचुरल बैक वाटर ये एक लेक है जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, यहां पर इसको बोला जाता है कि जो फिश यहां पर पाई जाती है तो काफी टेस्टी फिश यहां से निकल कर आती है जो भी फिश वगैरह खाता है। तो अस्थामुड़ी लेक के बारे में ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर इसके साथ में कनेक्ट एक रिवर का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं जो कि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर एरिया में। तो रिवर का नाम है रिवर कलादा, तो वो भी यहां पर इसी से कनेक्टेड है यहां पर। तो यह पर्टिकुलर लेक जिसके बारे में बात की जा रही है केरला के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। आज का जो क्विज है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक एक कर क्वेश्चन देखिए। CDS जो है वो किसको हेड करने वाला है, इसी के साथ में कितनी रैंक की पोस्ट यहां पर रहने वाली है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पर है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, कंज्यूमर और को जो जो, जो कंज्यूमर और जो यहां पर एक तरीके से जो बिजनेसमैन है उनका कॉन्फिडेंस हिल रहा है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और यहां पर 1.7 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट को पैसे दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए जो कि स्टेट को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात की जाए टैक्स के बारे में, तो जो टैक्स है यहां पर जो लिक्विड जो लीकर के ऊपर, शराब के ऊपर या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर किसके अंडर में आता है, ये आप लोग बताइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कही है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहां पर बुलंदशहर जो थर्मल पावर प्लांट है उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेगा, ये आप लोगों को बताना है। महादेव या फिर मांडवी रिवर के बारे में बात की जा रही थी, ये कौन से राज्य की लाइफलाइन इसको बोला जाता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे लास्ट वाली वीडियो में, तो इसमें यहां पर 18 का आंसर देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाती है, यूएसए और तुर्की के बारे में। यहां पर चाइना, रसिया और ईरान मिलकर यहां पर गल्फ ऑफ ओमन के अंदर एक नेवल ड्रिल यानी कि नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी ईरान निकले ड्रिल से बाहर निकल चुका है, तो कैसे ईरान के बारे में बात करनी है, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जाती है, 2020 के एंड तक यहां पर हमारी कंट्री में इसको देखा जा रहा है। ये प्रेसिडेंट अशरफ गनी जीत कर आए अफगानिस्तान में इलेक्शन में। यहां पर नेक्स्ट जो है, यहां पर ये जो अभी आप लोगों को जो तुर्की और यूएसए के बीच में जो टेंशन है इसके चलते जो यूएसए ने बोला है तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगाने को, तो तुर्की ने क्या बोला है उसके अपोजिट में, तो तुर्की ने बोला है कि जो दो बेस है यूएसए के, इनरलिक और कुरेसिक, ये यहां पर बंद कर दिए जाएंगे अगर यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है तो। और यूएसए सैंक्शन क्यों लगा रहा है, S-400 सिस्टम जो मिसाइल है यहां पर डिफेंस, ये यूएसए जो तुर्की है वो रशिया से खरीद रहा है, इसकी वजह से जो यूएसए है वो चिड़ा हुआ है और हम लोग भी खरीद रहे हैं, तो ये भी यहां पर काफी न्यूज में है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर पसंद आया लेक्चर तो ही लाइक कीजिएगा, बाकी काफी ज्यादा लोग कल यहां पर जुड़े, काफी अच्छा लगा। इस तरीके से अगर आप लोग कनेक्ट रहते हैं तो यहां पर लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों ने कल इसको यहां पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो 97,000 के करीब यहां पर लोग अब होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कीजिए ताकि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है उसको भी सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सके और सारी PDF एक जगह आप लोगों को इकट्ठी मिलती रहे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।